अगर अनजाने में किए गए पाप से छुटकारा चाहते हो तो रोज अपने घर में ये पांच काम करो। रोज अपने घर में ये पांच काम करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनजाने में किए गए पाप से हमें मुक्ति मिलेगा। कौन से वो पांच काम है? पंच महायज्ञ कर। सर्वप्रथम घर में जब आप रोटी बनाते हो तो पहली रोटी गाय। आपके घर में गाय है? कौन कौन ने अपने घर में गाय रखा है? अरे वाह, आप सबके घर में गाय है, क्या बात है। इसलिए तो गांव के लोग स्वस्थ रहते हैं। जहां जहां पर गौ माता रहती है वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है। गाय के दुग्ध पीने से व्यक्ति को अमृत पीने का गुण प्राप्त होता है, क्योंकि गौ दुग्ध में अमृत समान गुण मिलता है। इसलिए गांव के लोग बड़े स्वस्थ रहते, फिट रहते हैं। शहरों में देखो केवल बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। प्यार से बोलो तो पहली रोटी गाय को दो, ये पहला यज्ञ है। अगर आप रोज गौ माता को रोटी देते हो, रोटी खिलाते हो अपने हाथ से, तो एक विशाल यज्ञ समान फलदायक है। दूसरे नंबर में आप रोज अपने घर में अग्नि में हवन करो, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है, अपने घर में ही कर सकते हैं। तीसरा यज्ञ है आपके घर के आंगन में चींटियां हैं तो थोड़ा सा शक्कर डाल दो, आटा डाल दो, जो भी चींटी खाती है वो चीज डाल दो, वो भी एक यज्ञ समान है। पक्षियों को दाने डाल दो, चावल गेहूं जो कुछ भी पक्षी खाते वो डाल दो, वो भी यज्ञ समान है। और चौथे नंबर में है संत सेवा। आपके घर में, आपके गांव में अगर साधु संत आए हैं तो उनका सेवा करो, जितना बन सके उतना सेवा करो, ये भी यज्ञ से कम नहीं है। और पांचवें नंबर में है अतिथि सेवा। आपके घर में आए अतिथि की सेवा करो। अगर आपके घर में कोई भी रिश्तेदार आते हैं, अतिथि आते हैं, भले आप उनको पसंद ना करो लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव। घर में आए अतिथि चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो देवता कहते हैं, भले आपको पसंद ना हो। इसलिए आपके घर में आपकी ननंद आए तो मुंह मत बनाना, खूब बना बना करके खिलाना, घी लगा लगा करके रोटी खिलाना, ताकि ननंद खुश हो जाए तो आपसे पुण्य भी हो जाएगा। फिर भी कहा जाता है घर में जो भाभियां ननंद के आने पर चिढ़ती है, ननंद के आने पर मुंह बनाती है। कहीं कहीं की भाभी तो ऐसी भी होती है, जब ननंद आए तो अपने अलमारी में पहले से ताला लगा दिया कि दो चार साड़ी ले ना जाए, है ना, इतना डर ननंद से रहता है। लेकिन शास्त्र कहता है जिस घर में ननंद का चरण पड़े, जिस घर में भांजा भांजी, जब ननंद आएंगे आएंगे तो भांजा और भांजी भी साथ में आएंगे, जिस घर में भांजा भांजी के चरण पड़े उस घर के लोग धन्य हो जाते हैं। ऐसे अतिथि सबके भाग्य में नहीं होते, इसलिए आपके घर में ननंद आए, भांजा भांजी आए तो खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। ये चरण बड़े शुभ माने जाते हैं, ननंद के चरण, भांजा भांजी के चरण, और उसके बाद दामाद की बात कहा गया। दामाद जी जब घर आए, वैसे दामाद को तो बहुत सेवा स्वागत सब कोई करते हैं, दामाद की सेवा तो सब करते, ये तो सबको पता है, लेकिन इंसल्ट तो अपमान तो ननंद का ही होता है ना। प्यार से बोलो।